Hello good evening Hello good evening Good evening and welcome back okay perfect ओके okay, तो एक्चुअली uh, इन दिनों में मैं कुछ सब्जेक्ट uh, के ऊपर वर्कशॉप ले रहा था और ऑन द स्पॉट में भी काम किया तो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि uh, जो शेडोज है शेडोज को uh, कितना इम्पोर्टेंट है वाटर कलर में क्योंकि काफी सॉफ्ट रखना होता है uh, और शेडो में शेडो ऐसा है कि आप बार बार नहीं कर सकते शेडो से आपके हार्ड होने के चांसेस भी होता है शेडो आपके जितना सॉफ्ट हो उतना अच्छा है तो मैं शेडो से रिलेटेड कुछ आ, मैं बात शेयर करने के लिए मैं अभी लाइव आया हूं तो एक सेकंड ओके अभी ये ठीक है परफेक्ट है ओके हाँ तो यहाँ पे आ, मैं कैमरा स्विच करता हूँ और कुछ आपसे शेयर करने के लिए मैं आया शेडो के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखते रहिए ओके तो ये आप देख सकते कुछ शेडोस के ऊपर मैंने काम किया इन दिनों आप देख भी रहे होंगे इंस्टाग्राम या और भी सारे मेरे प्लेटफॉर्म में हेलो हेलो शिल्पी जी भाग्यश्री मैम गुड इवनिंग ओके ये शेडो मैं शेडो के ऊपर आज का सब्जेक्ट है शेडो कि हाउ टू मेक शेडो बहुत ज्यादा जरूरी है वाटर कलर मीडियम में काम करने के लिए दो टाइप में शेडो होता है एक तो आपके शार्प हो गया एक आपके मर्ज वाला शार्प बोले तो कुछ इस तरह से शार्प शेडो हो जाता है और अगर कुछ मर्ज वाला शेडो कहे तो कुछ इस तरह से मर्ज वाला हो जाता है ये जो खेल है आप देख पा रहे हो मैक्सिमम पेंटिंग में वाटर कलर मीडिया में हम ज्यादातर लाइट एंड शेडोज को ज्यादा बड़ा ध्यान रखते हैं और वहां पे शेडो को आपको एक टाइम मिलता है उसे अच्छी तरह करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेकंड लूंगा मैं अपने कैमरा को थोड़ा सा शेटअप करने के लिए ताकि मुझे लाइट कम दिख रहा है ओके एक सेकंड हम्म अभी ओके ओके परफेक्ट है ठीक कुछ मैं वर्कशॉप लिया था इन दिनों में तो जिसके जरिए जिसके चलते मैंने ये रियलाइज किया कि शेडो में कितना ध्यान देना चाहिए तो मैं कुछ इन्हीं बातों के ऊपर लेके आया शेडो बनाना कैसे है क्या कलर होता है इसमें एक सवाल आता है आपके कि शेडो का कलर क्या पर्पल होता है या ब्लू होता है ऐसा नहीं होता हर बार किस सरफेस के ऊपर आ रहा है किस सरफेस के ऊपर लाइट आ रहा है और उसके ऊपर गिरने के बाद जो उसके नीचे जो शेडो बन रहा है आ, क्या नहीं मतलब जो सरफेस के जो कलर है मान लो येलो कलर का सरफेस है आपके दीवार है तो वहां पे किसी चीज का शेडो जो कलर बनेगा रेड दीवार पे या व्हाइट दीवार पे वो शेडो नहीं होगा ठीक है तो ध्यान रखना है जो सरफेस के ऊपर आ रहा है जो भी कलर है उस कलर के साथ ही मिक्स होगा शेडो ठीक है अभी हम पर्पल क्यों करते है अक्सर क्योंकि रोड में जो रोड में हम शेडो बनाते हैं हम किसी आर्टिस्ट को फॉलो करते है कि रोड में शेडो बनाया पर्पल लगाया एक्चुअली रोड में हम कलर कौन सा यूज करते है ब्लू थोड़ा सा ब्लैक सा वो क्रीच का रो, रोड दिखता है वो ब्लू दिखता है जिसके कारण हम, हम ब्लैक दिखता है ब्लू सा ब्लू शेड यूज करते और फिर पर्पल का शेडो भी बनाते उस एरिया में तो उसी तरह से जब आप येलो यूज करते हैं तो योलो में क्या कलर हो सकता है मैं अभी कैमरा स्विच कर लेता हूँ ओके तो आप येलो योलो में अभी मान लो कि ये लाइट योलो यूज किया लाइट योलो में कैसे क्या यूज करेंगे उसमें उसके साथ आप अलट कलर यूज करेंगे वायलट और येलो को मिक्स करके एक डार्क कलर बनेगा बट सीधा सीधा वायलट कलर यूज नहीं होगा ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है कि शेडो हम सोचते ब्लू होगा वायलट होगा कोई एक सिंगल कलर नहीं ये अभी दीवार दीवार जो है योलो दीवार है उसके ऊपर शेडो बनाना है तो उस योलो कलर के साथ ही आपको डार्क टोन लेना है ठीक है तो उस योलो कलर के साथ आप अगर सीधा ब्लू लेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए पर्पल कलर को लेना है आई मीन वायलट कलर को लेना है थोड़ा वायलट और ये येलो के साथ अब येलो में क्या है कि आ, लाइट येलो की जरूरत नहीं हम चाह रहे हैं कि डार्क में जाना तो आप यहाँ पे इंडियन येलो इंडियन येलो ले सकते हैं ठीक है तो उसके साथ आप पर्पल का मिक्स करेंगे तो यो लाइट येलो का शेडो बड़ा प्यारा सा बना पाएंगे हो गया अभी जैसे कि मान लो कि इस लाइट ब्लू के ऊपर आप शेडो बनाना है ठीक है तो हर एक कलर में डार्क शेड्स है ठीक है आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लो बहुत जरूरी पॉइंट है आ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा इन दिनों में वर्कशॉप के जरिए कि आप लोग ठीक से उसे समझ नहीं पा रहे हो और पूरा बहुत सारे आर्टिस्ट को शायद ये बेनिफिट रहेगा तो ये जैसे लाइट ब्लू हो गया हम लाइट ब्लू यूज कर लिया शेडो किस कलर का कर करना कोई फटक से ऐसे आप पेंस के डाल दिया और कोई डाल दिया वो सत्यनाश हो जाता है पेंटिंग के एक बात को ध्यान रखना है शेडो के अंदर भी सामान दिखना चाहिए बात समझ में आ रहा है शेडो के अंदर भी सामान दिखना चाहिए जो भी दरवाजा है वहां पे क्या डिजाइन है शेडो बोले तो भूत नहीं बनाने का एकदम भूत बना दिया देखो शेडो के अंदर भी वो डिजाइन वो डेप्थ दिखना चाहिए उसे ट्रांसपेरेंट माना जाएगा या ट्रांसपेरेंट दिखेगा मजा आएगा ठीक है तो शेडो के अंदर वो दिखना चाहिए शेडो मीन्स भूत नहीं बनाना ब्लैक कलर का ओके अभी हम मानते हैं कि ब्लू में हम जब शेडो बनाते तो कैसे शेडो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू यूज कर लिया उसमें अभी देखना है कि ब्लू में शेड्स क्या यूज कर सकते हैं जैसे कि एक एलिजरिन किम्सन यूज कर सकते हैं उसके साथ मैं यहाँ पे ऐसे में क्या करता हूँ कि परमानेंट परमानेंटलो पहले तो मैं ये ब्लू की बात करता हूँ कि बहुत सारे सवाल है कि सर ये कौन सा ब्लू है जो बुंदु में ब्लू यूज करते हैं उसका कोबल ब्लू और आल्टा अभी तक का जो मिजेलो मिशन गोल्ड का काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला अः इस ब्लू में ठीक है तो वो दोनों ब्लू यूज कर सकते हैं और शेडो के लिए क्या यूज कर सकते हैं कि आप एलिजरिन क्रिम्सन ले दे सकते हैं और उसके साथ ब्लू अल्टाम ब्लू उसके साथ आपको एक डार्क कलर ले सकते हैं जैसे कि पेंस ग्रे बगैरा अगर लगता है थोड़ा और डार्क में जाना है पेंस ग्रे ले सकते हैं पेंस ग्रे को देखना है कि जो मिजेलो का पेंस ग्रे है वो क्या है थोड़ा सा इंडिगो के इंडिगो की ओर जाता है मतलब ग्रीन की ओर जाता है और जो हमारा कैमल का जो पेंस ग्रे है वो वायलट ब्लू की ओर जाता है तो यहाँ पे ब्लू का डार्क लेना है तो हम ऑब्वियसली कैमल का जो है पेंट्स ग्रे यूज करेंगे तो जिसके कारण बट बहुत कम लेना है क्योंकि एक अच्छा कलर के साथ आप कैमल कलर को भी यूज करेंगे वो चौकी फील दे देगा और फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा बहुत मामूली सा कलर आप यूज कर सकते हैं तो एक जो आपके एलिज़रिन किम्सन लेक वो काफी अच्छा कलर है वो आप यूज कर सकते हैं अभी देखो हर एक में शेडो होता है ना शेडो अलग हो जाता है तो यहाँ पे देखिए कि आ, ये ये जो ये जो दरवाजा है तो ये क्या यही कलर मतलब एक्चुअली कलर जो शेडो में चलता है वो होता है जब लाइट गिरता है तो थो, थोड़ा सा उजाला हो जाता है, है ना तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं कि ब्लू डाल देना है ऐसा नहीं कि पेंस ग्रे डाल देना है शेडो बनेगा उसी ग्रीन को साथ मैंने अभी यहाँ पे क्या हुआ ग्रीन का ये लाइट ग्रीन है सैप ग्रीन सैप ग्रीन के साथ आ, आपके गोल्डन ग्रीन आ गया बट उसके साथ क्या हुआ यहाँ पे जो ग्रीन है यहाँ पे हमने भिरीडियन भी है ऑलिव ग्रीन है अल्टरिन भी है ठीक है तो ये सब कलर के साथ ही शेडो बनाया अभी वो शार्प शेडो और मर्ज शेडो के बीच क्या अंतर है शार्प शेडो आपके फुली पेपर ड्राई होगा ड्राई में आपको ये करना है बट ये जब करोगे ध्यान रखना है आपके जो आ, ये जो कलर बनाया वो बहुत सारे वाटर के साथ बनाया ऐसा नहीं कि सूखा सूखा एकदम आगे बढ़ा रहे हो मतलब धक्का मार मार के कलर को ऐसा नहीं ठीक है वो एक फ्लो में चलना चाहिए उतना कलर घोलना है हमेशा डार्क जब भी करते हैं ऐसा नहीं कि ये ड्राई के ऊपर कर रहे हो तो आप सूखा सूखा जैसे एक्रिलिक कलर लगाते ना वैसा नहीं है वो फ्लो में ही चलना चाहिए तब उसका डार्क में भी ट्रांसपेरेंट दिखेगा और दूसरा है कि ये जो मर्ज वाला क्या है मैंने पहले दफा ये काम कर लिया था ये कलर पूरा लगाया ये कलर पूरा लगाया उसके बाद क्या किया पूरा पेंटिंग को अच्छी तरह ड्राई किया पूरा इस पेंटिंग को अच्छी तरह ड्राई किया और ड्राई करने के बाद क्या किया फिर से गीला किया तो ये एक बेसिक वाटर कलर का है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहु, जो ज्यादा जरूरी है बेसिक वाटर कलर आ, क्लास जो कि जो भी सीखना चाहते हैं और ये एक बेसिक वाटर कलर कोई कोई ऐसे आते हैं मेरे इंक्वायरी करते हैं कि क्या क्लास है तो मैं कहता हूँ बेसिक वाटर कलर सोचते हैं कि बेसिक में शायद मैंगो सिखाएंगे बेसिक में शायद एक एप्पल बनाना सिखाएंगे एक पत्ता ये मेरा बेसिक का स्टैंडर्ड है बेसिक वाटर कलर का और यहाँ पे बहुत सारी कुछ क्लियर होता है इसी तरह से मेरे क्लासेस चलता है तो मैं बीच में इसलिए बताना चाह रहा हूं अभी 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 भी मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट को नहीं ही मालूम क्या सीखना कहा से सीखना तो मैं बता दू कि ये ये मेरे पास बहुत सारे क्लासेस का लेवल है जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे वैसे वैसे मैं टाइम टू टाइम उनको अपडेट करता हूँ कि आप उन सब क्लास को ज्वाइन करें बट जो सीखना चाहते एक्चुअल वाटर कलर जिनको मालूम नहीं है ऐसा आपको खुद को मालूम है कि आपको कितना मालूम है तो बेसिक वाटर कलर आपके लिए परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या पे था कि पहले दफा हमने ये लाइट कलर पूरा कर लिया ये पूरा कर लिया उसके बाद फुली ड्राई किया फुली ड्राई करने के बाद ये जो कलर जो मैं डार्क कलर की थोड़ी देर में बात कर रहा था कि हम यहाँ पे एलिजरिन आल्टेरिन उसके साथ थोड़ा कैमिल का पेंस ग्रे वो कलर जो है घोल के बना के रखना है पैलेट में रेडी करके रखने के बाद ये फुली ड्राई हो चुका है उसके बाद आप ब्रश को आराम से मतलब साफ पानी में डुबा के उसके ऊपर से इस तरह से मतलब पूरा गीला कर दीजिए देखिए अभी भी मैं गीला करके दिखा रहा हूं आपको ये कुछ नहीं होता पूरा ड्राई होने के बाद ये अगर ऐसे आप करते उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है बट हल्के हाथों से आपको कुछ इस तरह से आपको कलर को वाटर को लगाना है लगाने के बाद थोड़ा छोड़ने का है कुछ सेकंड छोड़ने का है पानी को वो अच्छी तरह मतलब ऑब्जर्व करेगा फिर से क्योंकि फिर से ड्राई हो चुका था वो अभी आपने जो कलर घोल बनाया उसे आपको छोड़ना है वो जो छोड़ने का टाइमिंग होगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि आपने जल्दी छोड़ा तो उसी ऊपर का वाटर के साथ नीचे आ जाएगा लेट छोड़ा बैठ जाएगा तो ये जो अंडरस्टैंडिंग एक पेंटिंग में नहीं होगा बार बार होगा तो आप फिलहाल छोटे छोटे इस तरह से शेडो बनाना प्रैक्टिस करे कि मर्ज वाला शेडो और शार्प वाला शेडो तो यही था आज का एक छोटा सा और स्पेशल मैं मानूंगा क्योंकि इस वाटर कलर मीडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है ये शेडो बनाना शेडो से आप बहुत पेंटिंग खराब कर लेते हैं और बार बार करते हैं दूसरा है कि आपके बारे में आपके पेपर के बारे में आपको मालूम है कि आपके वो पेपर कितना कलर देने में वो ड्राई रहेगा मतलब ड्राई होने के बाद कलर रहेगा शेडो बनाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना है कोशिश करना कि आप वन टाइम यूज करें वन टाइम यूज करके शेडो बनाने की कोशिश करना उसके लिए आपको कंटिन्यू मतलब करते रहना तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग रहता है दूसरा है दूसरा तो नहीं कहीं सारे बात हो गया जो और एक मैं खास बात बताना चाहूंगा ये तो चैनल है मैं इस तरह से कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ आपके लिए इसके साथ साथ और एक चैनल है जो कि प्लेन एयर पेंटिंग विथ अचिंतो तो ये जो चैनल है चैनल है प्लेन एयर विथ अचिंतो तो इस चैनल में जितने भी मैं प्लेन एयर के ऊपर काम कर रहा हूं अभी बूंदी में भी बहुत सारे काम किया था उसका भी कुछ फास्ट वीडियोज है अभी अभी कुछ इन दिनों में मैंने फुल वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ आर्टिस्टों ने अः दोस्तों ने कहा कि सर फूल डालो बहुत दिक्कत होता है फुल अपलोड करने में आपको भी मालूम है शायद आप लोग भी आजकल सब सोशल नेटवर्क जुड़े हैं काफी मुश्किल होता है बट मैं अपलोड कर रहा हूँ फुल वीडियो -फुल मैं चाहता हूँ अगर कोई एक भी स्टूडेंट एक भी अगर फॉलोअर्स एक भी अगर मेरे दोस्त अगर वो वहां से वीडियो से कुछ सीख पाए तो मैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा तो मैं जो भी वहाँ पे अचीव करता हूँ ऑन द स्पॉट वो सारी बातें मैं शेयर करता हूँ आप स्कीप करके जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं बट हो सकता है कि उसके दौरान मैंने कुछ खास बात बताया वो भी मुझे भी याद नहीं क्योंकि जब मैं जो चीज ऑन द स्पॉट में फील करता हूँ वो चीज मैं बता देता हूँ उसी समय मैं कुछ स्टोर कर करके नहीं रखता मैं कभी छुपा के नहीं रखता जो भी कुछ उसी समय बताता हूँ तो आज अभी के बाद आप वो चैनल भी देखिएगा और उसमें जब वीडियो देखना है जब टाइम मिले तब देखिए बट पूरा देखिए उसमें आपको बहुत कुछ मतलब सीखने को मिलेगा ऑन द स्पॉट में कैसे काम करना है उसके अंदर क्या है। मैं जो जो भी सोचता हूँ ऑन द स्पॉट में वो सब मैं शेयर करता हूं तो यही था कुछ आज का एक छोटा सा टाइम तो के निकल के लाया आपके लिए और काफी इंटरेस्टिंग है शेडो वाला ध्यान रखिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो इस तरह से हर एक कलर में जैसे ब्लू में येलो में ग्रीन में और क्या रह गया रेड में इन सब में कलर में जो डार्क की ओर जाता है अभी जैसे यहाँ पे तकरीबन येलो हो गया ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया एक रेड रह गया अभी मान लो रेड के दीवार पे अगर डार्क करना है तो किधर जाएंगे तो रेड में लाइट कलर आपको ऑरेंज और ऐसे लाइट भर मिलियन ऐसे कुछ लाइट जो रेड कलर आप मान लो लगाया ठीक है उसके शेडो में क्या कर सकते हैं आप रेड ब्राउन यूज कर सकते हैं क्योंकि रेड ब्राउन के अंदर रेड ब्राउन है रेड का ही मतलब डार्क आ, जो है कलर है रेड से ही बना हुआ वो कलर है रेड ब्राउन रेड ब्राउन नहीं है तो आप इसके अंदर क्रिमसन यूज कर सकते हैं सकतेमेट यूज कर सकते हैं जो पड़े तो कई बार हम बंसियाना भी यूज कर सकते हैं तो ये सब कुछ चीज ऐसा नहीं कि आ, एकदम अजीब सा कुछ वो कलर लेके आ गया ओनली उसको लगा दिया ग्रीन लगा दिया अभी रेड का दीवार है ग्रीन लगा दिया वो शेडो तो बना नहीं और कीचर बन जाएगा तो बहुत ध्यान रखना है कि आ, किस कलर के साथ किसको मिला के उसकी डार्क शेड तैयार करना ये ज्यादा जरूरी है और जिनको ज्यादा और कुछ डिटेल्स में सीखना है ऑनलाइन क्लासेस डेली का कुछ ना कुछ मेरे पास है आप जरूर सीख सकते हैं एक आध मायना मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसे बहुत सारे रिकमेंड में आए और बसों से चल रहा है तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर एक एक आध मायना करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कुछ में ओपन अप है बहुत कुछ आपके रिव्यू होता है क्योंकि आप जो बनाते हो आपको टास्क दिया जाता है आपके वो रिव्यू किया जाता है वो ज्यादा जरूरी है तो इस तरह से इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब से लेकर के हर जगह मैं हूं जहां पर भी आप जैसे भी शूटेबल आपको लगता है आप इसे सीखने की कोशिश करें और जो भी मैं ऑन द स्पॉट में जाता हूं उसका सारे फोटोग्राफी अचिंत हाजरा फोटोग्राफी जो इंस्टा पेज में आपको मिल जाएगा तो हर जगह से ये फैसिलिटी है एक हमारा कलाराम का यूट्यूब जो चैनल है हर संडे को कोई ना कोई आर्टिस्ट आता है वहां पे लाइव डेमो देते हैं बहुत कुछ नॉलेज शेयर होता है वो चैनल भी आपके लिए है तो इस तरह से हर दिन कुछ ना कुछ हम लेके आते हैं आपके लिए तो चलिए फिर इसी चैनल को भी आप आ, आपको अगर अच्छा लगे आगे भी इस तरह से कुछ नॉलेज आपको आ, आ, मतलब आ, देखना है वीडियोस और अचीव करना है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ वो क्लीन एयर पेंटिंग विद तो, अचिंत तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं मतलब ये नहीं चाहूंगा कि किसी को जरूरत नहीं है वो सब्सक्राइब करे क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है आपको जरूरत है तो आप सब्सक्राइब कीजिए आपको सीखना है तो भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि खाली पीली भर के कोई फायदा नहीं है तो आ, ओके यहाँ पे शिल्पी जी कुछ कह रहे हैं थैंक यू सर आप कमाल है और आपके काम Uh, कुछ नहीं आप लोगों का प्यार है आप लोगों का सपोर्ट है जो कि कुछ भी नहीं था यहां तक लेके आए आप लोग तो और भी आगे तक जाएंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से तो चलिए मिलते रहिए और देखते रहिए इसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कभी आपके टाइम वेस्ट नहीं करते हम आपके टाइम की जो कीमत है वो हम जरूर देने की कोशिश करते हैं तो मिलते फिर नेक्स्ट किसी ऐसे जब दिमाग में आएगा कि शेयर करूंगा तो मैं वही कह रहा हूँ की मेरे जो प्लेन यार वीडियो के अंदर मैं डेली वो रूटीन में आ गया ना तो वहां पे बहुत कुछ शेयर कर रहा हूँ तो प्लेन यार पेंटिंग यारेंटिंग विचिंत नया चैनल है आपको मिलेगा नहीं प्लेन यार पेंटिंग तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कई सारे वीडियोस है और मैं बहुत खुश हूं आठ सौ नौ सौ छह सौ व्यूज हो चुका अभी भी दो ढाई सौ लोग हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है ये चैनल तो चलता रहेगा यहाँ पे बहुत सारे सात सौ कॉन्टेंट है इस चैनल के अंदर तो ये तो वैसे ही चलेगा बट इसमें भी वो मैं आता रहूंगा उसमें भी आता रहूंगा वो अलग से सेपरेट किया कि ऑन द स्पॉट में जो भी काम करूंगा मैं सोचा कि वो अलग से रहेगा ऑन द स्पॉट एकदम से वो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा कि कैसे काम करना है क्या क्या होता है उसके अंदर अः किस तरह से हर दिन मुझे कुछ ना कुछ अचीव होता है अभी सडनली पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया आ, कि आई लेवल कैसे आप पकड़ सकते हैं जाइए वीडियो को देखिए आई लेवल बड़े आसान से तरीका है मतलब कहीं पर होता ना एक्चुअली हमको मालूम नहीं चलता आई लेवल किधर जा रहा है ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है चलिए वीडियो को देखिए तो आपको मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा तो आज इतना ही है थैंक यू सो मच और बागोशी मैम द बेस्ट वाटर कलर क्लासेस थैंक यू सो मच मैम शुक्रिया और चलिए फिर uh, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे पॉइंट के साथ टाटा बाय